गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 10 मार्च को 62nd टिबेटन नेशनल अपराइजिंग डे लेह लद्दाख में भी कमेमोरेट किया जा रहा है। आपको बताते चले, इस दिन को टिबेटन कम्युनिटी अक्रॉस वर्ल्ड कमेमोरेट करते हैं अपराइजिंग डे के हिसाब से, और इस साल भी बड़े पैमाने पर लेह लद्दाख में 62nd टिबेटन नेशनल अपराइजिंग डे कमेमोरेट किया जा रहा है। आज के इस कमेमोरेशन दिन के मौके पर गेस्ट के चीफ गेस्ट के हिसाब से लद्दाख एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सुपसन सेवंग के साथ साथ लद्दाख गोंडपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अंजुमन ए मोइन इस्लाम के प्रेसिडेंट और अंजुमन ए इमामिया के प्रेसिडेंट आज के इस दिन के मौके पे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मौजूद थे। इस दिन के मौके पे अक्रॉस इंटरनेशनल कम्युनिटीज तक जो है टिबेटियन कॉज के लिए आवाज़ें उठाया जाता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पोलो ग्राउंड लद्दाख से निसार हुसैन और एग्जीन के साथ मोहम्मद इसाक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तिब्बत के निवासी चाहे दुनिया के किस कोने में भी रह रहे हों, वो 10 मार्च जैसा कि हम सभी जानते हैं 62 सालों से जितने भी तिब्बत के निवासी हैं चाहे दुनिया के जिस क्षेत्र में भी रह रहे हों, वो इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, जब से हिज होलीनेस दलाई लामा अपना मुल्क छोड़कर तिब्बत में निर्वासित होकर आना पड़ा, तो तब से लद्दाख के लोगों ने हमेशा तिब्बत कॉज के सपोर्ट में और हिज होलीनेस दलाई लामा जी के सपोर्ट में अपना योगदान दिया है। और उसी उपलक्ष में जो भी तिब्बत के सपोर्ट में इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें हम बराबर का हिस्सा लेते रहे हैं। तो आज भी जैसा कि आपने देखा, लद्दाख में ना सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी बल्कि लद्दाख में जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे अंजुमन इमामिया हो, चाहे अंजुमन मोहनल इस्लाम हो, क्रिश्चियन सोसाइटी है, इन सब इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर तिब्बत कॉज के सपोर्ट में अपना जो साथ देने का जो वादा है उसको दोहराने के लिए तिब्बत के लोगों के साथ आपस में मिलकर इस आयोजन में हम हिस्सा लेते हैं। हम मानते हैं कि शायद 1959 में जब पहली बार चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की जो उन्होंने चेष्टा की, उस समय भारत क्योंकि यहाँ पंचशील के नारा को लेकर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता रहा था, तो उस समय शायद बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच तिब्बत जो कि एक बहुत फ्रेंडली बफर स्टेट हो सकता था, उसको ना उसके तिब्बत के कॉज के हक में ना आकर बहुत बड़ी गलती की, जिसका जो नतीजा है आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि इसी साल आपने देखा चीन की तरफ से जो आक्रमण हुआ हमारे लद्दाख की सीमा पर, अगर तिब्बत आज़ाद मुल्क होता तो एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री बफर जोन की तरह भारत और तिब्बत की चाइना के बीच में होता है। तो मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है कि भारत जैसे जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ और सभी लोगों को अपना मुल्क किसी मुल्क का बाशिंदा होने का, अपने घर ज़मीन होने का जो हक हासिल है, बुनियादी हक है, उसको लेकर संजीदगी के साथ गौर करके तिब्बत के कॉज के हक में भारत को सोचना चाहिए। और जिस तरह से चीन की तरफ से हमें इस तरह का खतरा आ रहा है उसको देखते हुए ये और भी आवश्यक हो जाता है, भारत की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा इस फैसला भारत सरकार को लेने की ज़रूरत है। तो हम लद्दाख के लोगों की तरफ से भारत सरकार से इल्तिजा है कि तिब्बत कॉज के हक में जितना हो सके समर्थन देने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जो सीमा क्षेत्र है वो भी सुरक्षित रह सके और जो इतने सालों से तिब्बत के निवासी जो कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनको भी अपना मुल्क वापस जाने का, अपने मुल्क में रहने का हक जो है वो दिला पाए। 10 मार्च को हमारे टिबेटियन लोग रिफ्यूजी जो यहाँ पे इंडिया में ऑल ओवर जितना जहाँ भी बैठे हैं, आज एक इनका अपराइजिंग डे की सूरत में मानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं 1959 में
तिब्बत पर चाइनीज का जो हमला हुआ था, तो चाइनीज उस वक़्त फिर तिब्बत की आज़ादी को इन्होंने ख़त्म किया और नाजायज़ तौर पर तिब्बत पर कब्ज़ा जमाया, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है। और इस मौके पर हम बिल्कुल टिबेटिन जितने भी रिफ्यूजीज है और जितने भी जो टिबेटिन अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम इंडोर्स करते हैं और उनके साथ हम हमेशा खड़ा है, हम उनके साथ सपोर्ट में हैं। हम ये दुनिया तमिल सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ख़ासकर अभी आप हम सभी लोग देख रहे हैं कि तिब्बत में बहुत ही जुल्म व सितम हो रहा है और वहाँ पर अभी तक लाखों लोगों ने अपना जान दे दिया अपने आज़ादी के लिए। और फिर बाहर जो रिफ्यूजीज हमारे अभी जितने भी टिबेटियन लोग हैं, वो भी एक बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो हम चाहेंगे कि इनकी इन मुश्किलों को देखते हुए दुनिया की तमाम जो लोग अमन पसंद है, जो लोग आज़ादी के हक़ में दावे करते हैं या आज़ादी के हक़ में बोलते हैं, उन सब लोगों को चाहिए कि हमें बिल्कुल इस पर पुरजोर तरीके से इसको सपोर्ट करना चाहिए और इसके हक़ में बात करके चाइना के इस मसले को जल्दी से जल्दी हल होने के लिए हमें काम करना चाहिए। और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को तो इसमें और भी बिल्कुल ही बहुत इंटेंसली इस पर मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप हाल ही में हमें देख रहे हैं कि इंडो टिबेट बॉर्डर पर आज इंडो चाइना चाइना बॉर्डर बनाने की बड़ा वो लोग साग में बैठे हैं, जिसकी वजह से अब हमारी आज़ादी का भी थोड़ा सा ख़तरे में हमें देख रहा है। इसलिए हमें चाहिए जब तक टिबेट का मसला हल नहीं होगा तब तक इंडो यहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले, चाहे चाइना के बॉर्डर पर अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर जितने भी हमारे लोग बैठते हैं, बॉर्डर के लोग बैठते हैं, उनकी आज़ादी पर भी हमें ख़तरा महसूस होता है। इसलिए हमें चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस मामले में बिल्कुल ही ज़ोर से शिद्दत के साथ इस पर काम करके चाइना के टिबेटियन के हक़ में काम करके अगर ये मसला बिल्कुल रिजर्व हो जाता है तो हमें इंडो टिबेटियन बॉर्डर पर कोई इशू नहीं है। और फिर पिछले 1950 many monasteries, even more than 4,000 monasteries has been destroyed by China since the invasion. And you know, regarding the killing of the Tibetan peoples, the brutally, you know, the more than a million has been killed by the Chinese people. So even these days, the Chinese stop, you know, media, the freedom of media in Tibet. No media is allowed in Tibet. A few days before, the Chinese army, many Chinese armies deployed in Lhasa to control this great event, the 62nd National Uprising Day. So, at the same time, I would like to say, you know, the Chinese, we never trust Chinese because they always, you know, cheat people. A few months before, we have witnessed the Chinese have created a lot of problems with India. Actually, there is no border between India and China. There is only border between India and Tibet. But they forcefully occupied Tibet. Now they wanted to occupy some part of India. It's their intention. So that is why we have witnessed one of the soldier has been sacrificed at the Indian border in last year. So this even, you know, we are challenging this 62nd organized the anniversary because last year we are not able to observe National Uprising Day because of this China coronavirus. So we want to challenge China so that we want to defeat corona. So what I think, today we defeat corona, we win National Uprising observation. So that's why also, we are observing here because here we have a Tibetan settlement, a population of around 8,000. Not only here, observing all over the world, right from Dharamshala to all over the world, all over India, USA, Canada, Europe. So every year, today, the National Uprising Day 62nd is observing. That's all. Thank you. So what's your message to international community? You know, I would like to request international community to support Tibet cause, you know, to bring peace in Tibet, to bring peace between India and China, and to resolve Tibet issue through middle way approach.
through middleway approach, because our Tibetan government in exile and his own is the Dalai Lama's stand is to get freedom, not independent. So we international community should support Tibetan cause, or should support Tibetans to regain freedom, not the independent. And also I would like to urge international community to allow international media in Tibet, because China is restricting, you know, media not to allow in Tibet. And also we have Chinese people, you know, they never allow tourists in Tibet. They never allow tourists in Tibet also. But their tourists and their officials, wherever they want to go, they are freedom. They are free. But even the international community have no freedom to visit Tibet. So I ask international community to keep pressure on China regarding all this to take back. So thousands of people are participating in this 62nd uprising day. So is there any other step to be taken in the upcoming days? Actually, you know, today we have limited number of people, because I have requested them not to come many as per our protocol because of COVID SOP. So still many people came. Actually it should have more than that. And in coming days, I think a lot of activity may be expected, because the situation in Tibet is not good. Every day it's getting worse. Every day, you know, Chinese army is increasing there, and it is very tense near Ladakh border. You know that a lot of Chinese armies. Video. Chao, 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 chao
62nd टिबेटन नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पे बहुत सारे टिबेटन रेजिडेंट्स लेह लद्दाख में जो हैं वो आज इस दिन को कमेमोरेट कर रहे हैं। और आज के इस दिन के बारे में विस्तार से एलाबोरेटली हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ा है टिबेटन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और आज के इस दिन को आज के इस दौर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं? थैंक यू। मेरा नाम जो है कुनसंग देचिन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन यूथ कांग्रेस लेह लद्दाख। यह जैसे आपने बोला कि आज जो है दिस इज द 62nd टिबेटन नेशनल अपराइजिंग डे एंड वी आर गैदर्ड हियर फॉर द कमेमोरेशन ऑफ दिस डे एज अ ब्लैक डे because it was in the year 1959 jinhe china ne hamla kiya hai illegally and forcefully annexed tibet captured tibet and we have more than 1.2 million tibetans are being killed by china and more than 6000 monasteries has been destroyed so far by china in tibet and there is more than 40000 tibetans still in prison jinko they don't have the right basic rights like culture identity right and they don't have the religious right and freedom and same is this is not the case for the tibetan only even for the east turkistan we used to say the tibetan muslims in tibet they are also suffering too and that's why you know we are taking this as a great honor and a stage to the world media to say that we must step forward now because this is the high time for the Tibetans, East Turkistan, Taiwan and so who are under the regime of the Chinese policy and Chinese government. It is a high great honor for everybody of us to take shoulder to shoulder and cry for voice for our freedom because since from last year 2019 China has created so much problem for the whole world. It took millions of lives throughout the world, not only for the Tibetans and for the Taiwan and for the East Turkestan. Everybody, whole nation has suffered. It comes from China. China is the responsible government who has took all this life and damage and for the economically as well. It's not only for the life and economy, but for everything has been shattered, you know. So we strongly condemn Chinese policy. We strongly against the Chinese illegal occupation. What the treatment, what the kind of... China is, I should say, bulldozer to international law and order, you know, all in all. And we have here some kind of memorandum. Our appeal is that recognition of His Holiness reincarnation. We must have our Tibetans in Tibet should have a freedom, rights, everything. And our prisoners should be released as soon as possible, including the 11th Panchen Lama of Tibet, who has been, at the age of 6 years, he was kidnapped by Chinese government. And we have no idea where he was and how is his health situation, everything. He has been devoid of his religious right.
And also our demand is boycott of 2022 Olympic in Beijing, China. Right. So these are some of our appeal. Message to the international community in context to today's day. Because yeah. Today, hundreds of people are gathering to commemorate the 62nd Tibetan National Uprising Day. Likewise, in Leh, across the world, the Tibetan community are commemorating this day. Yeah, sure. So what's your message to the international community? Yeah, sure. This is very true, as you said, that we Tibetans throughout the globe are today observing and commemorating this day as a uprising day, one of the blackest day in our history of Tibet. And it is our urgent appeal for the respect of our Tibetan culture, Tibetan identity, and we are not seeking for independence. We are seeking for genuine autonomy, middle way approach adopted by His Holiness the Dalai Lama. We are not just thinking for the Tibetan unsafe. For the win-win side for both situations. So this is, we have a deep respect for His Holiness the Dalai Lama, for his benevolent leadership for the past 62 years. He is the one who has guided, who has